बालाजी सर, यू कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं बालाजी राठौर सर, लोग्रो पंपिंग एमपीएस सेकेंडरी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा दसवीं, विषय हिंदी लोक भारती, पाठ का नाम है भारत महिमा, विधा है कविता। आज हम जो हिंदी की फर्स्ट पोयम है वो हम आज यहाँ पे इस माध्यम से देखने वाले हैं। भारत महिमा, ये जो कविता है, भारत महिमा यानी भारत की महानता, भारत महिमा यानी क्या, भारत की महानता। इस कविता के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, उनके बारे में उनका परिचय थोड़ा सा करके देता हूं। जयशंकर जी का जन्म जो है 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु 1937 यानी 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका परिचय ऐसा है कि जयशंकर प्रसाद जी एक छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, कवि भी रह चुके हैं, नाटककार भी वो थे, कथाकार भी थे और उपन्यासकार भी थे। यानी वो कवि यानी बहुत सारी कविता भी लिखने का उन्होंने काम किया है, बहुत सारे नाटक भी लिखने का काम उन्होंने किया है, बहुत सारी कथा भी उन्होंने लिखी है और बहुत सारे उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। इसीलिए उनको बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहा जाता है। आप प्रसिद्ध हैं, आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है उस रचना में भारत का गुण गौरव यानी भारत की गौरवशाली अतीत का ऐतिहासिक वर्णन यानी अतीत में जो बीता है, अतीत में जो हो चुका है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे बताने का काम अपने लिखान के माध्यम से, अपने कथा के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से, अपने उपन्यासकार के माध्यम से उन्होंने हमें जो अतीत में जो हिस्टोरिकल जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं उसका दर्शन हमसे वो कराते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां इस तरह से हैं, झरना, आंसू, लहर इत्यादि काव्य है, कामायनी ये महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूरोसामिनी ये ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये सब कहानी संग्रह है, और कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास ये सब सारी उपन्यास हैं। तो ये उनका परिचय और ये उनकी कृतियां, उन्होंने उनकी जो ऐतिहासिक नाटक यानी ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से रह चुके हैं, महाकाव्य काव्य कौन कौन से हो चुके यहाँ पे रह चुके हैं, उपन्यास कौन से रह चुके हैं, ये सब के बारे में यहाँ पे बताने का काम, यहाँ पे पाठ की इस माध्यम से परिचय करने का काम किया है। तो इस जो भारत महिमा है, जो भारत की जो महानता है उसके बारे में यहाँ पे बताने का काम किया है कि इस पद्य संबंधी क्या, इसमें इस पद्य में हमें क्या जानना है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है, यानी हमारा जो भारत देश है उसका गुण गौरव अतीत के सजीव का, अतीत यानी जो बीत चुका है या अभी प्रेजेंट है, जो बीत चुका है उसके बारे में उन्होंने बहुत सारा अपना गौरवशाली वर्णन करने का काम किया है कि भारत देश ने हमें क्या दिया है, भारत देश से हमें क्या क्या मिला है, इसका गुण गौरव करने का काम इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके अपने प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये आम बात है कि हर भारत देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हर कोई इंसान हो, वो अपने देश के प्रति क्या है, उसका लगाव रहता ही है और अपने देश के ऊपर उसको गर्व महसूस होना ही चाहिए। और जब देश के ऊपर कोई संकट आता है या देश के ऊपर कोई चुनौती आती है तो उसका सामना करने के लिए वो यानी तत्पर रहे, अपनी अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, यही इस पद्य के माध्यम से यहाँ पे बताने का काम जयशंकर प्रसाद जी हमसे कह रहे हैं। सारांश थोड़ा सा है, इस प्रकार का है
कि भारत देश की महिमा अपार व अगाध है, इसका अतीत समृद्ध संपन्न और गौरवशाली है। यानी जो अतीत जो है बीत चुका है, जो हो चुका है, जो पीछे जो कुछ घटनाएं घटी है, जो हो चुकी है, वो बहुत समृद्ध व संपन्न और गौरवशाली हो चुकी है। भारत ने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जागरूक करने का काम किया है। यानी भारत जो देश है, हमारा जो भारत देश है, इस संसार में यानी पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में जो भी कुछ अज्ञान रूपी अंधकार जो होता है उसको दूर करने का काम, उसको बाजू करने का काम भी यहाँ पे इस भारत देश ने किया है। विश्व को संगीत की अनमोल धरोहर दी है। इस विश्व को यानी पूरी दुनिया को संगीत की एक यानी सौगात देने का काम भी इस भारत देश ने किया है। संसार को प्रेम, दया, सत्य, शील, अहिंसा, करुणा, मानवता वो शांति जैसे मानवीय गुणों का पाठ भी पढ़ाने का काम किया है। तो इस भारत देश ने हमें क्या क्या सिखाया? प्रेम की भावना, इंसान के प्रति हमारी प्रेम की भावना कैसी रहनी चाहिए, दया, सत्य, शील, अहिंसा, करुणा, मानवता, इसका जो जाप है यानी जो मानवता के जो संस्कार है ये हमारे पास कैसे होने चाहिए, इस सभी गुणों का पाठ हमारे भारत देश ने हम सभी को पढ़ाने का काम किया है। भारत माता के वीर पुत्रों ने भारत की गरिमा को गौरवित करने का कार्य किया है। यानी भारत माता के जो वीर पुत्र है, जो हमारे सैनिक हैं, जो वीर पुत्र हैं, जो हो चुके हैं, जो हो गए हैं, उन सभी ने क्या किया है, इस भारत देश की गरिमा को गौरव करने का काम, इस भारत देश के ऊपर जो भी कुछ संकट आया है, जो भी कुछ तकलीफें आई है, उन्होंने सहकर अपने भारत देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है। इसीलिए उनको यहाँ पे कहा गया कि भारत माता के वीर पुत्रों ने भारत की गरिमा को गौरवित करने का काम भी किया है। भारतीयों को अपने अतीत के गौरव को कदापि भूलना नहीं चाहिए। और यही बात हमसे यहाँ पे जयशंकर जी प्रसाद जी हमसे कह रहे हैं कि अतीत में जो बीत चुका है, जो हो गया है, जिन जिन लोगों ने भारत को आजादी मिलाने के लिए और भारत देश को यानी एक अच्छा एक सुदृढ़ भारत बनाने के लिए जो भी जिन लोगों ने काम किया है, उसको उसके प्रति हमारी सद्भावना होनी चाहिए और उसको अतीत के गौरव को कदापि हमें भूलना नहीं चाहिए। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह देश के गौरवशाली अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहे। जब भारत देश के ऊपर कोई संकट आता है तो उस भारत देश के संकट आने के पर हमारा यह प्रथम कर्तव्य है कि हम पूरे भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे भारत देश की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, सदा वहां पे जुड़ जाना चाहिए, सदा उनके साथ यानी कार्यान्वित होना चाहिए। ये हो गया यहाँ पे पाठ का सारांश। भारत महिमा, जयशंकर प्रसाद। इस कविता को मैं थोड़ा सा पहले से पढ़ लेता हूँ, आप थोड़ा सुनने का काम करना है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में पहला फिर आलोक, वेमतम पुंजो हुआ नतम नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल को कोमल कर में सप्रित, सप्त सर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा धूप, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर को। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रही रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस भारत में का यानी भारत की महानता किस प्रकार की है, भारत का जो महिमा है वो किस प्रकार की है,
भारत ने हमें कौन कौन सी चीजें देने का काम किया है, भारत देश से हम हमारे प्रति और भारत देश से हमारी प्रति यानी उन भारत देश से प्रति हमारी क्या सद्भावना होनी चाहिए, यह सब सारी बातें इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने हमें यहाँ पे रखी है। तो हम दो दो लाइन का यहाँ पे इसका पूरा डिटेल से यहाँ पे उसका थोड़ा सा भावार्थ जान ले। तो सबसे पहले दो लाइन, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरोखार। अभी यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि भारत का महिमा यानी भारत की जो महिमा है उसका गुणगान करते हुए जयशंकर प्रसाद जी हमसे कहते हैं कि हिमालय के पर्वत के आंगन में यानी हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने हंसकर किरणों का उपहार दिया। यानी उषा यानी क्या, अरुणोदय की लाली यानी सुबह सुबह जब सूरज निकलने से पहले जो लाली गिरती है वो लाली यानी उषा। तो हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने हंसकर किरणों का उपहार दिया है और उसी वजह से उषा ने इस देश का अभिनंदन करते हुए उसे हीरो का हार भी पहनाने का काम किया है। अर्थात सूर्योदय होने से कुछ पहले उषा रूपी किरणों का हिमालय के आंगन में आगमन हुआ और भारत देश उदित होने वाली उषा अपने साथ सुनहरी किरणों को लेकर आई, मानो वह भारत का अभिनंदन कर रही है और उसे हीरो का हार पहना रही है। तो यहाँ पे जो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, हमें सबको पता है कि हिमालय भारत का एक प्राकृतिक सरताज है, हमें सभी पता है ना कि हिमालय एक भारत की ऊंची शान है और इसी वजह से यहाँ पे कह रहा हूँ कि हिमालय भारत का एक प्राकृतिक सरताज है। सूरज की पहली किरण जब हिमालय की ऊंची चोटियों पर पड़ती है तो बर्फीली चोटियां चमकने लगती है। हिमालय के आंगन में सूरज की पहली किरण पड़ना भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य भेंट है। जब सफेद बर्फ पर ये किरणें जब पड़ती है यानी सूरज की जब किरणें पड़ती है तो ये सफेद चोटियां हीरे के माफिक क्या होती है, चमकने लगती है। ऐसा हर रोज होता है लेकिन ऐसा देखने के बाद कवि हमसे कहते हैं कि मानो उष्ण काल में हिमालय के आंगन में किरणों का उत्सव करके हीरो का हार पहना दिया है और ये मोहक नजारा देखकर सुबह भी खुशी से लहराते हुए हिमालय का अभिनंदन कर रही है। यहाँ पे इसका भावार्थ हो गया। तो इस प्रकार का यहाँ पे कवि हमसे कह रहे कि हिमालय के पर्वत कर सुबह की किरणें पड़ना, सुबह गिरना और उसके बाद यहाँ पे उषा ने उसका अभिनंदन किया, इस प्रकार का यहाँ पे इसका भावार्थ होता है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, वेम तम पुंजत हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। उषा के उदित होते ही यानी जब सूरज की पहले किरण या उषा की उदित किरणें जब इस पृथ्वी के ऊपर यानी इस संसार के ऊपर जब गिरती है तो भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग गए। तो सभी भारतीय क्या होते हैं, जब सुबह की पहली किरण या सुबह सुबह हो जाती है तो सभी भारतीय क्या होते हैं, जाग उठते हैं, नींद से जागते हैं। वे सिर्फ जागते हैं क्या, वे सिर्फ जागते नहीं है बल्कि उन्होंने क्या किया है, पूरी दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का काम भी किया है। यानी इस संसार में जो भी अज्ञान रूपी ज्ञान था, अज्ञान रूपी जैसे कि मैंने पहले सारांश में बता दिया था कि इस संसार में भरा पड़ा हुआ जो अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जगाने का काम इस भारत के पुत्रों ने किया है। इसी तरह समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का पुनित कार्य भी किया है और इसी तरह से इस संसार में जो अतीत में बीत चुके हैं, जो लोग हैं, जो इंसान है, जो भी कुछ मौलिक विचारों वाले जो इंसान है, उन्होंने क्या किया है, अपने पास वाला ज्ञान, जो समस्त ज्ञान का जो उपयोग पूरे संसार को हो, ऐसा ही ज्ञान उन्होंने प्रकाश खेलने का काम इस देश के पुत्रों ने पहले किया है। भारतीयों के इसी श्रेयस्कर कार्य के कारण ही विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ और विश्व में यहाँ पे इसी भारतीयों की वजह से, इसी भारत के जो सुपुत्र है, इन्हीं जो कार्य उन्होंने जो किए हैं,
इसी वजह से विश्व रूपी जो आकाश में फैला हुआ जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हुआ है, और इसी तरह से समस्त संसार से शोक दुख आदि का अंत हुआ है, और इसी वजह से जो शोक है जो दुख है उसी का अंत यहाँ पे हुआ है। दूसरी बात में दूसरे भाषा में अगर कहेंगे तो सूर्योदय होते ही हम भारतीय सबसे पहले क्या करते हैं, जग जाते हैं और नए दिन का स्वागत करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम पूरी दुनिया को भी जगाने का काम करते हैं, उसके बाद ज्ञान का प्रकाश भी फैलाते हैं। ऐसा करने से अंधकार रूपी व्योमतम पुंज क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और अंधकार रूपी व्योमतम पुंज यानी क्या कि संसार में फैला हुआ अंधकार, संसार में फैला हुआ अंधकार हम क्या करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहा है। ऐसे होने से ही सारी दुनिया जो है वो शोक रहित यानी आनंदमय हो जाती है। यहाँ पे इस दो पंक्तियों का अर्थ होता है। विमल वाणी ने विनाली कमल कोमल कर में सप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अब देखो हमें पता है कि भारत की महिमा जो है, भारत का जो महानता है वो किस प्रकार की है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हमसे कह रहे हैं कि भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली है कि वो समृद्ध महान है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी है। यानी हमारे भारत देश का जो इतना यानी गौरवशाली यानी इतना जितना भी गौर यानी गौरवशाली समृद्ध महान है कि इस देश ने जो विश्व को संगीत का अनमोल सौगात दी है वो इसी भारत ने दी है। संगीत की जो देवी है माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा वो दूसरे हाथ में एक प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया है, और इसी कारण विश्व रूपी सप्त सिंधियों में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। अब यहाँ पे देखो कि बच्चों की यहाँ पे भारत यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हमसे ऐसे कह रहे हैं कि सप्त स्वर यानी भारत देश की महिमा का गुणगान करते हुए वो भारत देश को बहुत सारा गौरवशाली बता रहे हैं, और भारत देश को यहाँ पे पूरे विश्व को संगीत भी इस भारत देश ने ही दी है। संगीत की जो देवी है माँ सरस्वती उन्होंने क्या किया है, एक हाथ में वीणा, वीणा यानी वो जो हाथ में आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो वो वीणा, और दूसरे हाथ में एक कमल का फूल कमल को धारण कर सभी को संगीत का क्या किया है, संगीत देने का काम किया है, और इसी कारण विश्व रूपी यानी पूरे विश्व में सप्त सिंधुओं में सप्त सिंधु यानी सप्त नदियों जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसमें सिंधु सरस्वती झेलम चेनाब रावी सतलज ऐसे कुछ नदियां हैं जो पूरे विश्व में फैल चुकी है। ऐसे जो नदियां हैं इन सब नदियों तक संगीत के सुर बज रहे हैं, संगीत की धार वहां पे गूंज रही है, और इसी वजह से सामवेद का संगीत का आविष्कार हो चुका है ऐसा यहाँ पे हम कह सकते हैं। दूसरी भारत भाषा में अगर इसको कहेंगे कि देखो कि भारत भूमि जो रही है अच्छे विचारों वाली भूमि है, इस भूमि पर अनेक मौलिक साहित्य की निर्मिति हो चुकी है, इनमें मधुरवाणी को विशेष महत्व दिया गया है, विद्या की जो देवता है शारदा सरस्वती ने अपने कर कमलों में प्रेम के साथ वीणा धारण की और सप्तों स्वर से छनकारा तब सप्त नदियों तक मधुर गूंज उठने का काम किया है, और इसके कारण सामवेदों की मधुर गीतों की निर्मिति भी यहाँ पे हुई है। तो इस दो पंक्तियों में यहाँ पे हमसे ऐसा बताया गया है कि भारत देश ने यहाँ पे संगीत की एक अनमोल सौगात भी देने का काम किया है, और उसकी गूंज जो है पूरे विश्व में और पूरे विश्व में सप्त सिंधुओं में यहाँ पे उसका प्रसार और प्रचार हुआ है। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर घूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। अभी भारत पर देखो इस दो पंक्तियों का अर्थ भाव इस प्रकार का है, भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, भारत देश पर क्या किया है बहुत सारे विदेशियों ने हमला किया है, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही है, उसको तोड़ने का भारत की अखंडता को तोड़ने का काम बहुत सारे विदेशियों ने बहुत सारे शत्रु जो शत्रु राज्य हैं शत्रु जो
देश है उन्होंने किया है, लेकिन उसकी अखंडता को तोड़ने का काम उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया है, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी हमारी जो भारत की जो अखंडता है वो कायम रही है। इन युद्धों में भारत की जीत हुई, बहुत सारे विदेशियों ने भारत पर हमला किया और उन बहुत सारे युद्धों में भारत की जीत हुई है। भारत ने सभी को सिखलाया है कि सिर्फ लोहे की जीत नहीं बल्कि यह जीत हमारे धर्म की है। और भारत देश ने हमें यानी सबको सीख क्या दी है कि शस्त्र से जीती हुई लड़ाई वो कोई मायने नहीं रखती है, और सिर्फ धर्म की जो लड़ाई होती है, जो धर्म का पालन कर जो लड़ाई जीती जाती है वो सबसे बेटर होती है, सबसे अच्छी होती है। और यही सीख सब भारत देश ने सबको सिखलाने का काम किया है। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति का जीत है, यानी धर्म की जो कोई धर्म है इंसान का, जो सबसे पहले मानवता धर्म है, तो उस मानवता धर्म का ही ठीक ठाक से पालन करना, यही हर करना, उसमें ही हर व्यक्ति की जीत होती है, ऐसा यहाँ पे जयशंकर जी प्रसाद जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमसे कह रहे हैं। इससे बड़ा बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध बौद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा और दया का पाठ सिखलाने का भी काम किया। तो हमारे सामने एक उदाहरण यहाँ पे जयशंकर जी प्रसाद ने दिया है कि जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, लेकिन गौतम बुद्ध राजकुमार होने के बावजूद भी वो भिक्षु बने सन्यासी बने और सन्यासी बनने के बाद उन्होंने क्या किया है, जगह जगह जाकर दीक्षा देने का काम और दया का पाठ सिखलाने का काम यहाँ पे किया है। अगर दूसरी भाषा में अगर इसको कहेंगे कि भारतवर्ष ने इतिहास से लेकर आज तक शस्त्र से बढ़कर शास्त्र को महत्व दिया है, यानी भारत देश ने शस्त्र को से बढ़कर शास्त्र को महत्व दिया है, शास्त्र को पूजा है। नैतिकता उसमें आ गई, नैतिकता आती है उसमें मानवीयता आती है, और इस नैतिकता को और मानवीयता को भारतीय लोगों ने अपनाया है, और इसी वजह से भारत ने सभी को यही सिखलाया है कि विजय केवल युद्ध करने से या झगड़ा करने से नहीं मिलती, विजय तो शास्त्र से मिलती है, नीति से मिलती है। पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श है कि हमारे सामने एक आदर्श है, देखो कि एक महान योद्धा है अशोक सम्राट, जिसका चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये महायोद्धा अशोक सम्राट को कलिंग युद्ध ने मानवता धर्म ने हराया, यानी इस अशोक सम्राट को कलिंग युद्ध ने मानवता धर्म यानी मानवता धर्म ने हराया, और इसके बाद और इसलिए उन्होंने योद्धा से बौद्ध भिक्षु बने यानी बौद्ध सन्यासी बने और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम उन्होंने किया है, दुनिया को शांति का संदेश देने का भी उन्होंने काम किया है। यही हमारी भारत भूमि शस्त्रों को नहीं शास्त्र को शास्त्र की सीख देती है, ऐसा भी हम यहाँ पे माध्यम से हम कह सकते हैं। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इसका भावार्थ इस प्रकार का है, भारत देश ने यवनों पर दया दिखलाई। यवनों यानी क्या, एक यवन एक साम्राज्य था, जैसे मुगलों का साम्राज्य होता है वैसे यहाँ पे यवनों का भी एक साम्राज्य था। तो भारत देश ने क्या किया है, इस यवनों पर भी दया दिखलाने का काम किया है। एक यवन साम्राज्य, जो भारत ही वह देश है जहां यवन शासक यानी यवन का जो मेन लीडर है वो शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी। देखो हमारे भारत देश के जो महान योद्धा थे चंद्रगुप्त ऐसे जो महान योद्धा या महान पराक्रमी जो राजा हो चुके हैं, उन्होंने शासन सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी उसको मौत की सजा नहीं दी। यवन युद्ध में परास्त हो गए, यानी यवन युद्ध में पूरी तरह से क्या हो गए, बिखरे गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए, वो उनकी पूरी तरह से हार हो चुकी है, फिर भी भारत के वीर शत्रुओं ने उन्हें दया के रूप में जीवन दान देने का काम किया है। तो भारत देश के जो सुपुत्र हैं उन्होंने क्या किया है, चंद्रगुप्त ने क्या किया है, उनको जीवन दान दिया है, और इसी वजह से भारत की महिमा को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दुश्मन होने के बावजूद भी भारत देश ने उनको जीवन दान देने का काम किया है। यही हमारी भारत देश की गौरवशाली बात हो सकती है। आज क्या हो रहा है, आज चीन, जापान,
आदि में जो भी धर्मोन्नति निरंतर फैली हुई है वह भारत की ही देन है। यानी जैसे कि चीन में जो आज धर्म का प्रसार और प्रचार हुआ है, जापान में धर्म का प्रसार और प्रचार हुआ है, तो उन सभी में जो धर्मों की वहां पे जो बढ़ोतरी हुई है, निरंतर जो बढ़ोतरी होना, तो वो पूरी बढ़ोतरी होने के पीछे एक ही कारण है, वो हमारा है भारत देश। वो क्योंकि ये सब भारत देश की देन ही है, और इसी वजह से वहां पे चीन और जापान में क्या हुआ है, धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ है। आखिर हमारी इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था, ये देखो हमारे चंद्रगुप्त, अशोक सम्राट, शिवाजी महाराज, ऐसे जो बहुत सारे आखिर यानी जो रत्न है, जो भारत देश के स्वर्ण भूमि के जिसको रत्न कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध के जैसे जो अनमोल रत्न है जो हमारे हमें इस भारत देश में यानी भारत देश ने दिया है। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म, उसके तीरत्न, बुद्ध, संघ, धम्म का ज्ञान कराया। यानी यहाँ पे बोला गया है कि बौद्ध गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में यानी गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन मिला और बौद्ध भिक्षुओं ने यानी बौद्ध जो सन्यासी होते हैं उन लोगों ने क्या किया है, लोगों में बुद्ध, संघ और धम्म का ज्ञान कराने का काम यानी ज्ञान देने का काम उन्होंने किया है। और इसी वजह से उन्होंने श्रीलंका को पंचशील, श्रीलंका उन्होंने ही श्रीलंका को यानी यहाँ पे सील जो दिया है, सिंहल यानी श्रीलंका, श्रीलंका को पराजय यानी पंचशील दिया है। पंचशील यानी कौन कौन से, झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना आदि का ज्ञान है यहाँ पे। ये सभी जो है ये भारत की देनगी है। और इस भारत की देनगी में जो अमूल रत्न यहाँ पे पैदा हुए हैं, जैसे गौतम बुद्ध है, ये पाठ यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पढ़ाने का काम उन्होंने किया है। इसी वजह से सिंहल को अर्थात श्रीलंका को सील रूपी मूल्य दिया। यही सील कौन कौन से, ये झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना, यही सील श्रीलंका को भी ज्ञान रूपी मूल्य दिया है, जिसका अनुकरण करके वहां के लोगों ने अपनी चतुर्दिक प्रगति भी की है। और इसी वजह से वहां के जो लोग है कि वहां की प्रगति जो देखी, आज जो देख रहे हैं हम, ये उसी के कारण है, क्योंकि ये सील यहाँ पे हमारे जो रत्न है उन्होंने देने का काम इन देशों को किया है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में पैदा हुए जो रत्न है, चंद्रगुप्त, अशोक सम्राट, शिवाजी महाराज, गौतम बुद्ध, ऐसे जो रत्न है, इन रत्नों ने बहुत सारा मानवीयता को धर्म यानी मानवीयता को हम प्राधान्य देने का उन्होंने काम किया है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो देखो बच्चों कि हमें सबको पता है कि हमें इस प्रकृति ने यानी इस नेचर ने हमें क्या क्या दिया है। हम पल रहे हैं, हम जो बढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे हमारा जो डेवलप हो रहा है, इस प्रकृति के कारण ही हो रहा है, यानी इस एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से जयशंकर जी प्रसाद सिंह हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत की प्रकृति जो है, भारत की जो रचनाएं हैं, भारत की जो नैसर्गिक जो छटा है वो अनोखी है। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है कि उसने हम सभी को इतना सब कुछ दिया है कि हमें किसी से कुछ मांगने की परिस्थिति निर्मित नहीं होती। यानी इस नेचर ने हमें इतना दिया है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाकर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। इस प्रकृति ने हमें इतना दिया है कि हम उसके बारे में हम कह भी नहीं सकते, और किसी से कुछ मांगने की परिस्थिति भी निर्मित नहीं होती। अंततः हमें किसी से कुछ मांगने की या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं पैदा हुई, और इसी वजह से इस नेचर ने हमें भर भर कर दिया है, इस नेचर ने हमें बहुत सारा दिया है, और इसी वजह से हमें कुछ किसी से मांगने या किसी से छीनने की आवश्यकता पैदा नहीं कि यहाँ पे इस नेचर के बारे में बताने का काम जयशंकर जी प्रसाद कर रहे हैं कि इस नेचर ने हमें बहुत सारा, इस प्रकृति ने हमें बहुत सारा दिया है, इसी वजह से हमें किसी से मांगने और छीनने की जरूरत नहीं पड़ी है। और इसी वजह से यहाँ पे आगे देखो क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए थे, बल्कि इस पवित्र देश ही हमारा जन्म हुआ था, सो हमारी जन्मभूमि भी यही है। तो इस देश पर हम कहीं से आए थे क्या, हम आर्य की संतान है, और आर्य की संतान होने की वजह से हमारा जन्म यही पे हुआ है।
हमारा जन्म स्थान भी यही है, हम किन्हीं अन्य राज्यों और किन्हीं अन्य देशों से नहीं आए, हमारा स्थान उगम स्थान यही है, और इसी वजह से इस पवित्र देश की देश में ही हमारा जन्म हुआ है, और इसी वजह से ये जो हमारी जन्मभूमि है यही हमारी भारत भूमि, यही हमारी जन्मभूमि है, ऐसा इस माध्यम से दो पंक्तियों के माध्यम से कहने का काम यहाँ पे जयचंद्र जी प्रसाद से हमसे कह रहे हैं। चरित्र पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अभी इस दो पंक्तियों का अर्थ देखो किस प्रकार का है भावार्थ। पुत, पुत यानी पुत्र, भारत माता के पुत्र चरित्रवान रहे, यानी इस भारत में जो भी कोई पैदा हुआ है वो सब चरित्रवान रहे हैं। उनकी भुजाओं, भुजा यानी बाजू हाथ, उनकी भुजाओं में इतनी शक्ति रही है और वे इतनी शक्ति रहने के बावजूद भी वे हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। यानी मेरे बाजू में बहुत सारी ताकत आ गई, यानी मैं किसी को भी मार सकता हूँ, किसी से भी कुछ छीन ले सकता हूँ, किसी को डरा धमका कर मैं उनसे पूरी तरह से पूरा हड़प ले सकता हूँ। ऐसा यहाँ पे हमारे भारत देशों के जो पुत्र हैं उनका चरित्र इतना अच्छा है कि उन्होंने कभी ऐसा छीना नहीं है, किसी को धमकाया नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे जयशंकर जी प्रसाद से कह रहे हैं कि भारत माता के जो पुत्र है वो इतने चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वो हमेशा दूसरों के साथ नम्रता पूर्वक यानी आदर पूर्वक व्यवहार करने का काम कर देते। उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा और देश प्रेम की भावना रही है, और उनके हृदय में यानी जो हमारे भारत देश के जो पुत्र हैं उनके उनके पुत्र यानी पुत्र में उनके मन में भारत देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा और देश प्रेम की भावना भी रह चुकी है। अपने इन गुणों के कारण वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं दे सकते। देखो भारत देश के हर कोई सुपुत्र जो है वो भारत देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा तो उसके प्रेम मन में है ही है, लेकिन देश प्रेम की भावना होने के बावजूद भी इस देश में जो कोई विपन्न यानी कोई गरीब लाचार दीन हो या यहाँ पे दिखता है तो उसको भी मदद के लिए हमारे जो पुत्र है वो आगे आते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, और दीन दुखियों की मदद करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं, और उनका एक ही धर्म वो मानते हैं, मानव सेवा ही उसका उनका परम ध्येय रहा है। और यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे जयशंकर जी प्रसाद सिंह हमसे कह रहे हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा होती है, और इसी वजह से मानव सेवा ही उनका परम ध्येय रहा है इन भारत में रहने वाले सभी पुत्रों का, इसी वजह से यहाँ पे वो बोल रहे हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अभी देखो इसका भावार्थ इस प्रकार का है, कवि के मतानुसार यानी कवि के मत जयशंकर प्रसाद जी के मतानुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी भारत देश के पास इतनी साधन संपत्ति थी, इसी वजह से भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं होती, यानी हमारे भारत देश में धन्य और धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, और इसी के कारण इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी कारण दान करने में हम पीछे नहीं हटे। देखो हमारे भारत देश में धन और धान्य की कमी न होने की वजह से हम हमारे भारत देश के जो दानी पुरुष हैं, जो दानी इंसान है, वो दान करने में हम पीछे नहीं हटे हैं। यानी हम कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो तो वो दान करने से पीछे नहीं हटा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन और धान्य था। अतिथि देवो भव यानी ईश्वर को, यानी हर अतिथि को ईश्वर के समान मानकर उनका आदर सत्कार करना, ये हमारे भारत देश की परंपरा है। तो अतिथि देवो भव की संकल्पना का भारतवासियों ने पालन किया, यानी हर कोई अतिथि, हम हमारे भारत देश में कोई बाहर से कोई आता है तो खुश होकर जाना चाहिए, और इसी वजह से अतिथि देवो भव यानी हर अतिथि इंसान यानी ईश्वर का रूप होता है, ऐसा सोचकर उसके बारे में सोचना और उसके बाद उसके प्रति वैसा व्यवहार करना, ऐसा यहाँ पे इसका मतलब होता है। भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते थे, यानी पहले क्या होता था, वचन को बहुत सारा मानते थे, वचन दिया, यानी
वो वचन देने के बाद वो पूरा काम करना ही है। वचन को यानी भारत माता की पुत्र ने क्या है, वचनों को बहुत सारा महत्व देने का काम किया है। जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। उनके वचनों में भी सत्यता थी, हृदय में तेज था और उनकी प्रतिज्ञा भी दृढ़ हुआ करती थी। यानी इसका जो पंक्तियों के जो यहाँ पे बोला है, देखो वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, तो इसका मतलब ऐसा है कि वो भारत माता के जो पुत्र है वचन को महत्व देने का काम करते थे। और इसी वजह से वो जैसा कहते वो वैसा काम करते थे। और उनके वचनों में भी बहुत सत्यता थी, वो जो वचन जो थे उनमें सत्यता थी, वो उसका पालन करते थे। हृदय में तेज था यानी उनके हृदय में तेज था और उनकी प्रतिज्ञा भी दृढ़ हुआ करती थी, यानी प्रतिज्ञा जो है वो समृद्ध हुआ करती थी, पूरी तरह से पूरी करने के लिए पूरी तरह से अपनी पूरी जान की बाजी लगाते हुए वो प्रतिज्ञा पूरी करना ही है, ऐसा उसका दृढ़ संकल्प हुआ करता था। इसी वजह से यहाँ पे बोला था, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अब यहाँ पे इस पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार का है कि हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। हम भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते ना, कि अतीत ने यानी पिछले वाले लोगों ने, यानी पिछले जो हमारे जो योद्धा सम्राट जितने भी महात्मा जो भी हो चुके हैं, उन्होंने भारत की गरिमा यानी भारत को गौरवशाली बनाने के लिए, भारत को एक समृद्ध भारत की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया है, बहुत सारा काम किया है। तो उसके गौरव को यानी अतीत के गौरव को हम कैसे भुला सकते हैं। आज इतने युगों के बाद भी हम उसी भारत के निवासी है। आज इतने कितने सारे युग हो गए, अशोक सम्राट से लेकर शिवाजी छत्रपति महाराज से लेकर गौतम बुद्ध से लेकर जो दया का पाठ सिखलाया है उन लोगों ने, जो मानवता का धर्म जो सिखलाया है उन लोगों के बाद भी हम इतने युगों के बाद भी हम इसी भारत देश के हम निवासी रहे हैं। आज भी हमारी रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति है और वही ज्ञान है, वही विद्यमान है। तो इसी के कारण यहाँ पे बोला गया है कि हम भारत देश के गौरव को हम कैसे भूल सकते हैं कि आज इतने युग सारे हो गए तो उस युग होने के बाद भी आज भी हम उसी भारत देश के निवासी है और उसके बावजूद भी हमारा वही आर्य की संतान होने की वजह से हम हमारे रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति है, वही ज्ञान विद्यमान है और इसी वजह से हम आज हमारे भारत की जो महिमा है उसको कैसे भूल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे जयचंद्र जी प्रसाद सिंह हमसे कह रहे हैं। आखिर हम वही दिव्य आर्य संतान, आखिर में हम क्या है, वही आर्य की संतान है जिसने वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है और इसी वजह से हम उसी की संतान है, हम दिव्य आर्य संतान है। इसी वजह से आज भी वर्तमान में अभी प्रेजेंट में हम क्या किया, हम सब लोगों ने क्या किया है, भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। यानी जो अच्छे जो पाठ पढ़ाने का काम पूर्वजों ने यानी अतीत में जो लोगों ने किया है वही पाठ पढ़ाने का काम हम अभी भी यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे अंतर्मन में आज भी शांति व सामर्थ्य निहित है और इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि हमारे अंतर्मन हमारे मन में आज भी शांति और शांति का पाठ सिखलाने का काम और सामर्थ्य निहित जो काम होते हैं वो करने का काम यहाँ पे किया है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो इस लास्ट की जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हमसे इस प्रकार से कह रहे हैं कि आज हम सभी भारतवासी देश के गौरव और उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, किसके लिए जिए, हम भारत देश के रहवासी है और इसी वजह से जिए तो सदा इसी के लिए, किसके लिए, भारत के लिए, और यही अभिमान हमारे मन में होना चाहिए और हमारी इस भारत देश की यानी गौरव के लिए हमारा जान निछावर करने के लिए हम सदा तत्पर रहना चाहिए और इसी वजह से यहाँ पे हमारा प्यारा भारतवर्ष यहाँ पे बोला गया है। तो आज सभी हम भारतवासी देश के गौरव उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यानी अस्मिता बरकरार रखना
ये हमारे लिए बहुत सारा गौरवशाली बात है और इसी वजह से हम अस्मिता को बरकरार रख रहे हैं और इसी कारण हम प्रगति पथ पर हैं और इसी के कारण हम क्या है आज प्रगति पथ पर, यानी हमारे जो कदम बढ़ रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जो किसी भी यानी किसी भी क्षेत्र में जो हमारी जो यानी प्रगति हो रही है, ये प्रगति का होने का जो कारण है ये हम हमारे भारत देश की जो अस्मिता को बरकरार रखने के लिए जो हम कर रहे हैं, सदैव तत्पर रहते हैं, इसी वजह से हमारी प्रगति हो रही है। और ये बड़ी खुशी के साथ इसे हम इस बात का हमें अभिमान भी रह चुका है, अभिमान भी होता है और इस पवित्र पावन गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। और ये जो भारत भूमि है, ये जो हमारी जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि के पावन पावन क्षेत्रों में और इस पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व यानी हमारी जान तन मन धन जो भी कुछ है वो सब निछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। आखिर यह हमारा प्रिय भारत देश है और ये क्यों, क्योंकि ये जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश ने हमें बहुत सारा कुछ दिया है और इसी वजह से ये जो भारतवर्ष है इसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और जिसके लिए हम सभी अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते रहे थे और रहेंगे। और इसी वजह से लास्ट में जो बोला गया है कि इस हमारे प्यारे भारतवर्ष पर इसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए हम हमारा सर्वस्व नौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, पहले तत्पर हैं, तत्पर थे, तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे, ऐसा यहाँ पे इस माध्यम से जयशंकर जी प्रसाद जी ने इस पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से भारत की जो महानता है, भारत की जो महिमा है, इसके बारे में बताने का काम इस माध्यम से हमें किया है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको इस पंक्तियों के सब जो लाइन्स है वो आपको समझ में आए होंगे। कोई अगर किसी को कोई इस पंक्तियों में डाउट्स है यानी कोई पंक्ति समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। अगर कोई आपको स्वाध्याय का थोड़ा सा आपको आपके तो थोड़ा सा मैं वार्तालाप कर सकता हूँ मैडम, क्या कुछ मैं बोल सकता हूँ मुलासोबत? हेलो सर। मैडम मैं बोलू सकता हूँ मुलासोबत थोड़ा? बोलू सकतो का? हेलो, हाँ मैडम बोलू सकतो का? हेलो सर। हाँ सर, उपन्यासकार का मतलब क्या होता है? क्या उपन्यासकार? आपने परिचय में बताया था वो जो उपन्यास होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रंथ होते हैं बाइबल, जैसे कि महाभारत, रामायण, वैसे जो किताबें होती है वैसे उपन्यास होते हैं, जो अतीत के बारे में यानी हिस्टोरिकल यानी अतीत के बारे में उसमें बहुत सारा बताने का काम किया जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। और स्वाध्याय लेखन का जो भाग है थोड़ा सा देख लो एक बार, कोई बता सकता है कि इस सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए, कोई बता सकता है कहीं से हम आए थे नहीं, इसका कोई आंसर बता सकता है? वही हम दिव्य आर्य संतान। अगर आपको कविता अगर समझ में आई है पूरी तरह से तो आप ये डेफिनेटली आप बता सकते हो। एनीवन? कोई बताएगा सर? भारत देश से आए थे या नहीं तो फिर वो जो बोले आपने बोला था ना कि यून भूमि से आए थे। मैंने तात्पर्य थोड़ा सा बताया था कहीं से हम आए थे नहीं, इस पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार का है। देखो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कहीं से हम आए थे नहीं, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि भारतीय आर्य वंश के हैं, भारतीय जो है आर्य वंश के हैं और भारत की भूमि उनकी जन्मभूमि रह चुकी है और इसी पुण्य भूमि के वे मूल निवासी है, न कि वे कहीं से आए हुए विदेशी नहीं है। इसी वजह से इसका मतलब होता है। सेकंड पार्ट है,
वही हम दिव्य आर्य संतान। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि हम आर्यवृत्त आर्यों की दिव्य संतान है। हमारी रगों में आर्यों के समान ज्ञान साहसी रक्त विद्यमान है। हम उन्हीं आर्यों की संतान है जिन्होंने भारतीय आर्यों को जीवित रखने का काम किया। ये हो गया दो पंक्तियों का अर्थ, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसके बाद ये कोई बता सकता है उचित जोड़िया मिलाई है? संत्य सत्य संचय। हेलो सर। हाँ हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलिए सर। सत्य का सर दान आएगा और सत्य का वचन अतिथि देव और अतिथि देव बरोबर है। और सर रत्न तेज हृदय हृदय में तेज। ओके वेरी गुड वेरी गुड बेटा। यहाँ पे संचय में दान, सत्य वचन, अतिथि देवो, हृदय में तेज, स्वर्ण भूमि को रत्न, यहाँ पे उसके आंसर है। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। कविता में दो प्रयुक्त धातुओं के नाम आए थे, वो कौन कौन से दो धातु के नाम है बताओ? सर लोहा और स्वर्ण। लोहा और स्वर्ण। ओके। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं कौन बताएगा? कोई बता सकता है? चरित्रवान। हाँ। और अतिथि सत्यकार। ओके देखो, कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम हीरा और लोहा, स्वर्ण भी आए यहाँ पे। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, संचय मैदान, अतिथि देव स्वरूप, यानी अतिथि को देव स्वरूप माना जाता है, ईश्वर समान माना जाता है। ये यहाँ पे भारतीय दो संस्कृति की विशेषता है। अभी प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, ये अपने मन से लिखना है। अगर आपने आपको दो कोई लाइन लेनी है और दो लाइन लेकर आपको इसका पूरा भावार्थ लिखना है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम, रचनाकार कौन है हमारे? सर जयशंकर प्रसाद। रचना का प्रकार कौन सा है? सर भारत में नहीं नहीं सर, रचना का नाम बता रहे ना सर। देखो सर, मैंने यहाँ पे प्रसाद है। रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद। रचनाकार का प्रकार छायावादी आधुनिक काव्य। पसंदीदा पंक्ति हिमालय के आंगन में उसे किरणों का देव उपहार, उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरो का। यहाँ पे पसंदीदा होने के कारण और रचना से प्राप्त संदेश इस क्या मिलता है, इस प्रकार से अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली 8 मार्क के लिए पूछा जाने वाला एक सवाल है। समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है। कोई कोई आप किसी पंक्ति का कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। थैंक यू। थैंक यू मैडम। ओके सर, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स यू कैन कंटिन्यू फॉर 10 मिनट्स मोर। वी हैव नेक्स्ट लेक्चर मैथ्स। बी रेडी विद योर मैथ्स टेक्स्टबुक्स एंड नोटबुक्स।